वेलकम टू आवर चैनल ज्ञापन एकेडमी। देखिए हम लोग इस वीडियो में देखेंगे 3.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आखिर ये क्या कह रहा है। याद रखिए थ्री लेसन में तो एक ही टॉपिक पढ़ना है कि दो ठो समीकरण आएगा और ये दोनों समीकरण को हमको हल करना है। इसमें भी दो ठो दिया है लेकिन इसमें थोड़ा सा उटपटांग सा दिया है। ठीक है, उटपटांग क्या है, हम लोग नॉर्मल पढ़ रहे थे जैसे कि 2x plus 3y is equal to 4, ऐसे नॉर्मल इक्वेशन दिया था, समीकरण दिया था, लेकिन यहाँ तो बट्टा में दिया है, ये तो पल्ले पड़ेगा ही नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, दुनिया में ऐसा कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं, बस कोशिश करना है। एक काम करें ना, बट्टा से एलर्जी है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बट्टा का सिस्टम हटा दो। ठीक है, कोशिश करो कि ये बट्टा वाला हट जाए, जब बट्टा वाला हट जाएगा तब तो बन जाएगा ना। ठीक है, मेहनत आपको करना पड़ेगा क्योंकि देखिए अगर आपको रिजल्ट बेहतर करना है, देखिए उस लड़के का रिजल्ट एकदम नहीं होगा जो लड़का अपने आज के काम को कल पर टाल देता है। कि नहीं सुनो ना, आज क्या मतलब कि अभी तो एग्जाम बहुत दिन है। ठीक है, एक काम करते हैं, कल से ना एकदम पक्का कसम से प्रॉमिस एकदम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जब ये वाला सिस्टम दिमाग में आता है तो लिख के देते हैं, उसका रिजल्ट पेंडिंग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उस समय आप समय को बर्बाद कर रहे होते हैं। ठीक है, आप फालतू जगह समय दे रहे होते हैं, तो याद रखिएगा समय को बर्बाद कीजिएगा, बढ़िया से आपको समय बर्बाद करेगा क्योंकि है बहुत ही घमंडी चीज। ठीक है, यहां देखिए अब हम एक काम करते हैं, इसको हम लोग बदलते हैं, बट्टा को हटाते हैं जब बट्टा से एलर्जी है। तो कैसे हटाएंगे, एक काम, एक देखिए तो जैसे कि मान लीजिए 1/2x है, एक काम करते हैं x वाले ये जो भी पार्ट है यहाँ 1/2 ऐसे x है, आप देखिए 2 पर भी x का अधिकार है और यहाँ 2 पर भी 1 का अधिकार है और x पर भी है। क्यों, क्योंकि ये दोनों का बट्टा क्या है, एक पर ये बट्टा 2x है, यानी एक के साथ दो भी रह सकता है, एक के साथ कौन रह सकता है, x भी रह सकता है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक पर तो दोनों का बट्टा है ना, तो यहाँ दोनों का अधिकार यहाँ पे रहता है, तो यही काम करते हैं हम। ठीक है, देखिएगा बट्टा जरूर हटेगा, जैसे बट्टा हट गया तब तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा ना। ठीक है, तो वही काम करते हैं। देखिए एक काम करते हैं, हम समीकरण एक से चलते हैं, समीकरण एक से ध्यान से समझिएगा क्या है समीकरण एक, 1/2x plus 1/3y is equal to 4। यहां 1/x यहां लिख दे रहे हैं, माना कि 1/x को कुछ मान लेते हैं। ठीक है, 1/x बराबर हम मान लेते हैं यहां पे p। ठीक है, और यहां भी देखिए 1/3y है ना ये वाला, तो 1/ y को हम मान लेते हैं क्या, q। तो यहां पे जब 1/x बराबर मान लिए हम क्या, p, और 1/y बराबर मान लेते हैं q। ध्यान से समझिएगा, तो यहां समीकरण में क्या होगा, 1/x के जगह पे क्या लिखेंगे, p। तो ये ऊपर लिखते हैं p, अब बट्टा नीचे का बच गया 2, अभी भी बट्टा में ही आ रहा है लेकिन घबराना नहीं है, अब आसान हो जाएगा। 1/y बराबर क्या है, क्यू, और यहां पर क्या है, 3 is equal to 2। देखिए अभी x था तो परेशानी है, नंबर है तो कोई परेशानी नहीं है क्योंकि बट्टा का जोड़ हम लोगों को आता है सिंपल। तो अब देखिए ये 3 2 जा कितना हो जाएगा, सिर्फ 2 3 6, ये 3p हो जाएगा, प्लस में ये 2q, बट्टा का जोड़ आता है। जब बीच में बराबर हो तो क्या करते हैं, तिरछा तिरछी गुणा करते हैं। तो इधर तिरछा, इधर तो कुछ गुणा करने वाला है ही नहीं, इधर गुणा करो, 6 2 12, 3p प्लस 2q इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 6 2 12। लग रहा है ना समीकरण बन गया कि नहीं, समीकरण बन गया। तो जब इसको माने हैं समीकरण एक, इसको माने हैं समीकरण दो, तो इसको मान लीजिए समीकरण 3। अगर इसको समीकरण 1 2 नहीं माने हैं तो ये वाला समीकरण, देखिए अगर आपको ये समीकरण जैसा नहीं दिख रहा है कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप 1 मान सकते हैं। ठीक है, आप फ्री होकर मैथ पढ़िएगा तब जाके फ्रैंकली किसी को बता पाइएगा, अदरवाइज दिक्कत होगा आपको भी। एक काम करते हैं, समीकरण 1 हमको मिल गया, अब इसको हम समीकरण में बदलते हैं। ठीक है, 1/3x समीकरण 2 से लिखते हैं, समीकरण 2 से 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6। अब देखिए 1/x इसमें भी है, हाँ एक चीज आपको बताना भूल गया, देखिए याद रखिएगा जो यहां पे होगा ना जिसको मानोगे एकदम सेम, ये गारंटी है कि इस लेसन में वो चीज
सेकेंड वाला में भी होगा। अगर मान लीजिए कि 2/x + y अगर फर्स्ट वाला में है तो सेकेंड वाला में भी ऊपर कुछ नंबर होगा लेकिन नीचे वाला सेम होगा, x + y होगा। क्यों? क्योंकि एक बार मानने पे दोनों का काम चल जाएगा। इसका भी देखिए तो हम एक बार माने 1/x = p, तो इसमें भी 1/x है, इसमें भी 1/x है, 1/y यहाँ पे भी है और 1/y यहाँ। एक एक बार मानने पर हम लोगों को क्या हो जाएगा, दोनों का काम चल जाएगा। ये पूरा लेशन की बात हम कर रहे हैं, मतलब लेशन ही एक्सरसाइज की, ठीक है। और यहाँ देखिए 1/x क्या माने पी, बटा नीचे 3 है, अब प्लस 1/y क्यों माने नीचे क्या है 2। ये दिमाग में नहीं आना चाहिए कि सर आप 1/x मान रहे तो नीचे p क्यों नहीं लिख रहे। 1/x पूरा का वैल्यू है, पूरा वैल्यू जो मानते हैं वो ऊपर आता है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 13/6, वही बात, बट्टा का जोड़ 6, 2, 3 × 6 2p + 3q = 13/6। यहाँ तिरछा तिरछी गुणा कर सकते हैं, लेकिन एक और भी तो काम कर सकते हैं, इसको 6 से 6 काट दीजिए, 2p + 3q = 13। समीकरण ये क्या हो गया, 4 हो गया। देखिए तो ये भी समीकरण बन गया कि नहीं, अब तो आसान है ना, इसको कटा दीजिए। अब देखिए हम तो कहेंगे कि इसको कोई कोई विधि तो बोला नहीं है, विलोपन विधि से कटेंगे। क्यों? विलोपन विधि में एगो विलुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है, यानी अगर है दोनों बराबर रहेगा, जैसे ये फर्स्ट वाला आई फर्स्ट वाला बराबर अगर कर देते हो तो इसको काट देंगे हम लोग, घटाएंगे तो ये जो भी बराबर होगा घट जाएगा, बाद की आगे सल्व हो जाएगा। तो विलोपन विधि का यूज करके हम लोग कर सकते हैं। एनीवे देखते हैं, ट्राई करते हैं, इधर 3 है और इधर 4 है। एक काम करते हैं, ये दोनों को बराबर करने के लिए क्या करोगे, एक जगह 3 है एक जगह 2 है, क्या कीजिएगा कि ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो उपाय है ना, जो हम ऊपर लिखा है उससे नीचे में गुणा कर दो, जो नीचे लिखा था उसको ऊपर में, 3 × 6 = 2, 3 × 6 दोनों बराबर हो जा रहा है। तो याद रखिए समीकरण एक में, यानी 3 ऊपर है ना, समीकरण एक में तुमको 2 से गुणा करना है और समीकरण 2 में आपको 3 से गुणा करना, मतलब ये 3 और 4 में, समीकरण 3 है सॉरी 3 में 2 से तथा समीकरण 4 में 3 से गुणा। अब गुणा करके क्या कीजिएगा, घटाइएगा ना, जब दोनों बराबर हो जाएगा तो 6 ये भी हो जा रहा है, 6 ये भी, तो 6 में से 6 जाएगा 0, ये खत्म हो जाएगा तो 1 का वैल्यू निकल जाएगा। तो गुणा करके घटाने पर, गुणा कर घटाने पर, नहीं तो पहले आप गुणा कर लीजिएगा फिर घटा लीजिएगा, ये आपकी मर्जी, ठीक है। तो यहां देखिए समीकरण 3 में 2 से गुणा करना है, तो जितना समीकरण यहां दिया है सब में 2 से गुणा करेंगे, ये नहीं कि एगो में सिर्फ इसमें करेंगे, इसमें 3 × 6 p प्लस 2 × 4 q प्लस 2 और 12 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। फिर उसके बाद से समीकरण 4 में 3 से, इसमें 3 से गुणा करके देखो तो 3 × 6 p 3 × 9 q और 13 × 39 हो जाएगा, ठीक है। हमने तो गुणा कर लिया, लेकिन गुणा करके क्या करना है, घटाने पर, तो घटाएंगे। देखिए जब जोड़ने पर बोले तो सिंबल नहीं बदलते हैं, ये जो प्लस वाला सिंबल है ना ये सब बदलते नहीं है, लेकिन जैसे घटाने पर बोलेंगे तो सिंबल बदल जाता है। ये क्यों होता है, माइनस एक ऐसा पनौती नंबर है जिसके आते ही सब कुछ अशुभ होने लगता है, सब में परिवर्तन हो जाएगा। ये प्लस में है बेचारा कुछ नहीं है तो माइनस हो जाएगा, प्लस में ये माइनस ये भी माइनस, ये खत्म हो गया, प्लस माइनस एक जैसा है, तो 9 में से 4 जाएगा तो 5q बड़ा वाला का सिंबल लगा दिए, 39 में से आपका कितना जाएगा 24 जाएगा, तो ये 9 में से 4 जाएगा 5, ये 15, माइनस से माइनस खत्म, 5 × 3 = 15, क्यू बराबर आपका आ गया 3। जब आपका क्यू बराबर 3 आ गया तो क्यू का मान ले जाके या तो 3 में भरिए नहीं तो 4 में भरिए। यहाँ देखिए अब क्यू का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है 3p + 2q = 12, 3p + 2, क्यू का मान कितना है, क्यू का मान है आपका 3 = 12, 3p + 3 × 6 = नंबर को नंबर के पास भेजिए, यानी एक जात को एक जगह कीजिए, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, ये हो जाएगा 12 - 6, 3p = ये हो जाएगा 6, कटाइएगा 3 × 6, p बराबर कितना आ गया 2, यहाँ p बराबर आ गया 2 और यहाँ q बराबर आ गया 3, तो हो गया ना। लेकिन आपको निकालना क्या है, p और q का वैल्यू थोड़े ना निकालना है, आपको निकालना है x और y का वैल्यू। तो उपाय है ना, यहाँ p बराबर 2 आया है, वैसे एक बात बताइए यहाँ p क्या माने है, 1/x = p माने है ना, तो थर्ड केस में कीजिएगा 1/x = आप क्या माने है, p माने है, तो जब वो 1 में फिर यहाँ लिख दीजिएगा, फिर
1 बाई एक्स बराबर क्या माने हैं, P माने हैं। यहाँ देखिए तो एक काम कीजिए, 1 बाई एक्स को 1 बाई एक्स लिख दीजिए। आप P यहाँ पे है, P यहाँ पे है ना, P बराबर कितना आया है, 2 आया है। तो जब ये तिरछा तिरछी गुणा कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका कितना, 2x आई है 1, फिर 2 को भेज दीजिएगा, यानी x बराबर आपका 2। नहीं समझ आया, ध्यान से देखिए, जब 1 बाई एक्स यहाँ पे है, अब बराबर में 2 है, तो ये तिरछा तिरछी गुणा होता है, तो ये हो जाएगा 2x, इधर हो जाएगा 1, फिर हम लोग क्या करते हैं, x का वैल्यू निकालना है ना, तो ये बट्टा में आ जाएगा, 2 कहाँ आ जाएगा, बट्टा में यहाँ से हट के, तो यही हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। और उसके बाद से फिर एक चीज़ और माने हैं, 1/y, 1/y बराबर क्या माने हैं, q माने हैं, तो 1/y या q बराबर कितना है, 3। तो फिर यहाँ y बराबर कितना हो जाएगा, 1/3। तो x बराबर आपका आ गया 1/2 और y बराबर आपका आ गया 1/3, यानी 1/3। तो इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। और देखिए सेम टू सेम अगर आपको ये समझ में आया तो समय को बर्बाद मत कीजिए, कल पर टालिएगा तो आपका हर एक रिजल्ट कल पर टल जाएगा, आपका हर एक आने वाला लक्ष्य कल पर टल जाएगा। इसीलिए जो करना है आज करना है, अभी करना है, ये दिमाग में बैठा लिया। पहले ये जरूरी है, आपके अगर पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो आप पढ़ाई को प्रायोरिटी सबसे ज्यादा दीजिए, सबसे प्राथमिकता, पहले अपना काम कीजिए, पढ़ाई कीजिए, उसके बाद दूसरा काम सोचिए, ठीक है। अगर आपका रिजल्ट बेहतर होगा ना, तो आपको किसी के पीछे जाने की जरूरत नहीं है, वो खुद आपके पास आएगा, ठीक है, ये दिमाग में आप रख लीजिए। और बिना देर के हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फिर से हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेम है, आपको पता होना चाहिए कि जो यहां होगा वही यहां होगा। एक बार मानेंगे, देखिए बट्टा में दिया है ना, बट्टा हटाना है हमको, तो नीचे वाला को हटा दो, यानी कि आप देखिए रूट एक्स, अगर हम 2/√ ऐसे है, ठीक है, हम चाहे ना अगर तो हम लोग 2 को ऐसे बाहर कर सकते, तो 2 बाहर हो तो यहाँ का बचेगा, 1 बचता है, ठीक है, रूट एक्स, फिर 2 में 1 से गुणा होगा तो 2 एकम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये ऐसे हम लोग साइड करके लिख सकते हैं, तो ये 2 बाहर करेंगे तो 1/√x बचेगा, और 1/√x को कुछ मान लेंगे, बट्टा अपने से हट जाएगा। यहाँ देखिए समीकरण 1 से ये 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं, समीकरण 1 से 1/√x बराबर मान लेते हैं p, और यहाँ पे देखिए 1/√y बराबर मान लेते हैं q, ठीक है, वही चीज यहां भी है, जब 4 साइड होगा तो ये कुछ नहीं ऊपर बचेगा, तो 1/1 लिखते हैं यहाँ पे, 1/√x मान लिए हम। अब बताइए कि जब ये 2 साइड हो चुका है, क्या हो गया यहाँ पे, पहले 2√x प्लस 3√y इज इक्वल टू 2 है, जब ये 2 साइड हो गया तो 1/√x क्या बचा है, p माने है, तो 2 साइड हुए तो 2 साइड में कर दो, इसके बदले में क्या लिख दो, p, अब प्लस ये 3 साइड में है तो 3 q बराबर में क्या हो जाएगा, 2। यहीं पे हो गया समीकरण 1, बताइए तो समीकरण 1, 2, तो ये हो गया 3, ठीक है, बताइए तो कितना आसान है। फिर वही बात, 4 साइड हो गया, समीकरण 2 से यहीं पे लिख देते हैं, समीकरण 2 से जब 4 साइड हो गया तो यहाँ 1/√x, तो 4 साइड में कर दो, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, अब 1/√x बराबर क्या हो जाएगा, p, और माइनस ये हो जाएगा 9, 1/y बराबर क्या हो जाएगा, q, और बराबर में -1, ये समीकरण क्या हो गया, 4 हो गया। फिर वही काम क्या करें, जब आपको ये क्या पता है, 3 पता है, 4 पता है, ये दोनों को बराबर करके काट दीजिए, इसमें कितना से गुणा कीजिएगा कि ये 4 हो जाएगा, तो उपाय है ना, यहाँ 2 से गुणा करना है, समीकरण 3 में 2 से गुणा कर दो, दोनों को घटा दो, घटाओगे तब ही कटेगा, ठीक है। तो यहां हम लिख रहे हैं समीकरण 3 में 2 से गुणा कर घटाने पर, ठीक है, गुणा कर घटाने पर, समीकरण ऐसे भी लैंग्वेज हो सकता है, या फिर समीकरण 3 में 2 से गुणा कर समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर, ऐसे लिखेगा तो लगेगा पूरा पूरा साफ साफ, नहीं तो कोई कोई होता है जो आपसे क्वेश्चन अराइज करने लगेगा, जब वो लिख दिया कि 3 में 2 से गुणा करने पर, तो किसमें से घटाने पर, यह भी होता है, ठीक है। समीकरण 3 में 2 से गुणा कर समीकरण 3 से 4 को घटाने पर, अब वो आदमी खुश हो जाएगा जो देखेगा, ठीक है। तो पहले समीकरण 3 में कितना से गुणा कर दें हम, 2 से गुणा कर दें, तो कितना हो जाएगा, 2 × 4x प्लस 2 × 6x, नहीं p है, ठीक है, ये हो जाएगा 6q और इक्वल टू 2 × 4। देखिए हम यहाँ पे इसलिए लिख दे रहे हैं गुणा, ताकि गुणा करने में आसानी हो, आप मिटा दो इसको, यहाँ पे देखिए 4p
माइनस नाइन क्यू इज इक्वल टू माइनस वन। कीजिए जब भी घटाते हैं सिंबल बदलते हैं, तो ये माइनस, ये माइनस होते ही प्लस, ये वाला सिंबल बदलता है जो नीचे होता है। ये अभी नाइन किस में है, माइनस में, लेकिन अब यहाँ पे प्लस डाल देने से किस में हो गया, प्लस में। ये माइनस है तो प्लस, ये खत्म। नौ और छः कितना होता है, पंद्रह होता है। पंद्रह क्यू बराबर चार और एक, ये प्लस में, तो चार और एक कितना हो गया, पाँच हो गया। क्यू बराबर कितना होगा, पाँच, ये बट्टा में आ जाएगा पंद्रह, पाँच यहीं पंद्रह। क्यू बराबर कितना आ गया, एक बट्टा तीन, ऊपर एक। बहुत ऐसे लड़के क्या करेंगे, क्यू बराबर लिख देंगे पंद्रह बट्टा पाँच, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये पंद्रह बट्टा पाँच कैसे संभव, ये है तो ये नीचे जाता है, कभी भी कहाँ जाता है, नीचे जाता है। तिरछा तिरछी गुणा करेंगे ना तो ये नीचे जाएगा ना। अब देखिए Q बराबर कितना है, 1 बाई थ्री। क्यू का मान ले जाकर या तो तीन में भरिए, नहीं तो चार में भरिए, ठीक है। यह समीकरण तीन था, ये चार था। तो देखिए Q का मान समीकरण तीन में रखने पर, ठीक है, Q क्या है, 4P प्लस सिक्स क्यू इज इक्वल टू 4। 4P प्लस सिक्स क्यू का मान क्या है, 1 बाई थ्री है, तीन दूना छ। यहाँ देखिए 4p प्लस में यहाँ दो बचा, बराबर में यहाँ चार बचा। ये प्लस है, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 4p इज इक्वल टू 4 माइनस टू। यहाँ देखिए 4p बराबर चार में से दो जाएगा, कितना होगा, दो, और p बराबर हो जाएगा, ये बट्टा में आएगा, बोले ना नीचे जाएगा, दो दूना चार। पी बराबर कितना आ गया, एक बट्टा दो। जब पी बराबर एक बट्टा दो आ गया, तो यहाँ कुछ माने हैं आप, क्या माने हैं, पी बराबर वन बाई रूट एक्स बराबर पी माने हैं, ठीक है। तो जब वन बाई रूट एक्स बराबर पी माने हैं, तो यहाँ लिखिए पी बराबर वन बाई रूट एक्स। पी का मान कितना है, तो पी का मान आपके पास है वन बट्टा टू, और इधर क्या है, वन बाई रूट एक्स। यहाँ ध्यान से समझिएगा हम क्या कर रहे हैं, वही मेन है, ठीक है। जब यहाँ लिखे हैं वन बाई टू और वन बाई रूट टू रूट एक्स, तो इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा। देखिए रूट का मतलब आपको हम बता चुके हैं, होता क्या है कि इधर रहेगा, अगर मान लीजिए कि ऐसे था, ये दो पर स्क्वायर हो और इधर हो एक्स, कुछ उठपटांग बता रहे हैं। कभी भी स्क्वायर इधर जाता है तो किस में बदल जाता है, रूट में बदल जाता है, ये ध्यान रखना है। आई फिर रूट उठ के जाएगा इधर, तो किस में आ जाएगा, स्क्वायर में आ जाएगा। तो बताइए ये रूट है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, स्क्वायर में हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, दो का स्क्वायर, ये एक्स, दो दूना कितना होता है, चार होता है। तो एक बट्टा चार बराबर एक बट्टा एक्स, तिरछा तिरछे गुणा कीजिए एक्स बराबर चार। थोड़ा सा हम बड़ा लॉन्ग मेथड किए हैं, लेकिन डायरेक्ट आपको अगर दिमाग लगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आप इधर भेज करके एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, चार लिख सकते हैं। अब देखिए ये x का मान निकल गया, चलते हैं हम लोग y का मान निकालने। तो कुछ माने होंगे आप जरूर, वन बाई रूट वाई बराबर क्या माने हैं, q माने हैं। वन बाई रूट वाई बराबर क्या माने हैं, q माने हैं। तो अब बताइए कि वन बाई रूट वाई और q बराबर क्या है, थ्री है, ठीक है, वन बाई थ्री है। q बराबर क्या है आपका, वन बाई थ्री। वही बात, स्क्वायर है इधर का, रूट है इधर भी, तो स्क्वायर हो जाएगा। और तीन का स्क्वायर क्या होता है, तीन का स्क्वायर हो जाता है आपका, पूरा लिखना है तो लिख दीजिए, ठीक है, वन बाई वाई बराबर एक बट्टा नौ, और जब तिरछा तिरछी गुणा होगा तो वाई बराबर नौ, ठीक है। तो एगो एक्स बराबर आ गया आपका चार, एगो वाई बराबर आपका आ गया तीन, सॉरी नाइन, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आएगा, लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, और बिना देर किए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री, सेम वैसे ही है। क्या करते हैं हम लोग, समीकरण दिया है लेकिन कुछ अलग तरीका से दिया है, इस बट्टा में दिया है, तो बट्टा को हटाते हैं। जब बट्टा को हटाएंगे कुछ मानेंगे, उसके बाद जैसे हम वो सेकंड और फर्स्ट बने वैसे ही ये भी है। जब फोर को साइड करके यहाँ समीकरण एक से लिखते हैं, यहाँ वन बाई एक्स बराबर पी। जब ये फोर को साइड करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, तो वन बाई एक्स, वन बाई एक्स को क्या मानिए, पी। ये क्यों मानते हैं, ताकि बट्टा वाला सिस्टम हट जाए। अब यहाँ क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि देखिए हम लोग ये मानने का वजह क्या है, वजह ये है कि बट्टा में है, ये वाला तो बट्टा में है ही नहीं, तो छोड़ दो। अब वह सेम चीज़ यहाँ भी है और यहाँ भी है, बताए थे कि अगर एक्स नीचे रहेगा तो ये भी रहेगा, वाई है तो वाई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इतना हम माने हैं, समीकरण एक से वन बाई एक्स को माने हैं, तो फोर साइड होगा तो फोर, और वन बाई एक्स बराबर क्या माने हैं, पी। अब प्लस में ये वैसे ही उतर जाएगा, बराबर में चौदह। समीकरण इसको तीन मान लीजिए, वैसे ये तीन साइड हो जाएगा तो वन बाई एक्स बराबर क्यू हो जाएगा, और ये माइनस में फोर वाई इज इक्वल टू में
कितना हो जाएगा 23 समीकरण 4। अब देखिए समीकरण 3 और 4 दे दिया है तो हम लोग विलोपन विधि यूज करेंगे। क्या होता है, ये दोनों को बराबर करके इसको काट देते हैं। तो बराबर करने के लिए उपाय भी बताए थे, जो ऊपर होगा नीचे में गुणा कर दो, जो नीचे होगा ऊपर में गुणा करो। मतलब यहाँ पे हम लोग अगर 4 से कर दें, यहाँ पे अगर हम लोग 3 से कर दें, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो ये जो हम करते हैं ना गुणा, इसको लैंग्वेज में लिखते हैं, आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि समीकरण 3 में 3 से गुणा और समीकरण 4 में 4 से गुणा कर घटाने पर। ये मेन यहाँ आपको लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए समीकरण 3 में 3 से तथा 4 में 4 से गुणा कर घटाने पर, ठीक है। तो गुणा कीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 चौका 12 पी प्लस 3 त्रिका 9 वाई, 14 है ना यहाँ पे, हाँ ठीक है, 14 42 हो जाएगा, ठीक है। अब ये गुणा कीजिए, 3 चौका 12 पी माइनस 4 चौका 16 वाई और बराबर ये 23 में गुणा, गुणा सब में करते हैं। तो 3 चौका 12 के दो हाथ में 1 और 4 दुना 8 और 1 9, गुणा कर घटाने पर ना, तो घटाने के बाद सिंबल का हो जाता है, चेंज हो जाता है, ये ख़त्म हो गया और ये 9 और ये दोनों प्लस में है, तो ये हो जाएगा 25 वाई, और यहाँ पे हो जाएगा 92 में से ये 42 जाएगा, तो 4 में से 2 में से 2 जाएगा 0, 9 में से 4 जाएगा 5, ठीक है। और यहाँ पे ये माइनस में होगा, 25 दूना 50 वाई बराबर माइनस 2, यहाँ वाई बराबर आपका क्या आ गया, माइनस 2 आ गया। तो यहाँ y का मान समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए, तो समीकरण 3 4 जिसमें रखना है रखिए, आपका आंसर आएगा ही आएगा। तो एक काम करते हैं, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 3 क्या है, 4p प्लस 3y इज इक्वल टू 14, 4p प्लस 3 अब y का मान क्या है, यहाँ पे माइनस में 2 है, तो माइनस में 2 बराबर 14, 4p लिख दीजिए यहाँ पे, और ये 3 दोना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 14। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, 4p माइनस 6 बराबर 14, 4p बराबर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में 6 हो गया, 4p इज इक्वल टू 20, कितना हो जाएगा ये आपका 20, 4 5 20, p बराबर आपका हो गया 5। जब p बराबर आपका 5 हो गया, तो आप p का मान थोड़ा निकालना है, y का निकालना है और x दिया है यहाँ पे। तो यहाँ देखिए क्या माने हैं, यहाँ पे आप माने हैं 1/x बराबर p, 1/x बराबर, यहाँ पे p का मान कितना है 5, तो तिरछा तिरछी गुणा करने पर x बराबर 1/5 हो जाएगा। तो आपका x बराबर 1/5 और y बराबर कितना हो गया आपका, माइनस में 2। तो उम्मीद करते हो कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, बात तो सेम है, सेम कैसे है, बट्टा में दिया है, बट्टा को हटाना है, जो भी दिया है घबराना नहीं, नहीं कि ये कौन सा क्वेश्चन आ गया, वो भी सेम बात है। देखिए बट्टा में दिया है, इसको मानिए, तो जब 5 को हटेगा तो ऊपर 1 बचेगा, तो 1/x-1 बराबर कुछ मान लीजिए, इधर हटेगा तो 1/y-2 बराबर कुछ मान लीजिए। यहां पे देखिए माना कि 1/x-1 बराबर हम मानते हैं इस बार a, ठीक है, और उसके बाद से 1/1-2 बराबर मानते हैं हम इसको b, ठीक है। तो हो गया यहां पे। अब देखिए अब हम करते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो यहाँ जो 5 को जब बाहर निकालिएगा, तो 5 को बाहर निकाल 1/ क्या बचेगा, x-1 बराबर क्या लिखे हैं आप, a लिखे, तो 5 को बाहर निकाले 1/x-1 बराबर a, प्लस ये पूरा बराबर आप क्या माने हैं, b माने हैं, और इक्वल टू 2। समीकरण ये क्या हो गया, 3 हो गया कि नहीं, ये समीकरण तैयार, बट्टा हट गया। वैसे ही ये 6 को बाहर निकालिएगा तो ये 1/ ये फिर वही बचेगा, उतना बराबर क्या माने हैं आप, a, माइनस 3 को बाहर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, ये b हो जाएगा, इज इक्वल टू में क्या है यहाँ पे 1 है। समीकरण इसको क्या मान लीजिए, 4 मान लीजिए। तो जब 3 और 4 आपके पास मौजूद है, तो एक काम कीजिए, कटाना है विलोपन में, इसको भी कटा सकते हैं बराबर करके, इसको भी कटा सकते हैं, ठीक है। तो एक उपाय बता रहे हैं, इसी को कटाइए, सिर्फ यहाँ 3 से गुणा कर देंगे ना तो ये कट जाएगा, और यहाँ पे हमको 5 से 6 से करना पड़ेगा, तो सब लंबा लंबा बड़ा बड़ा नंबर आएगा। उससे अच्छा है कि
समीकरण तीन में हम लोग डायरेक्ट किससे, तीन से गुणा करें, ये कट जाएगा, गुणा तो वैसे सब में होगा, ठीक है। तो यहां लिखते हैं हम समीकरण तीन में तीन से गुणा कर जुड़ने पर। अब सोच रहे हैं कि जोड़ने पर क्यों लिख रहे हैं, एक बात बताइए, घटाने पर तो सिंबल बदल जाता है ना, तो यहां बदलना थोड़े, ऑलरेडी एक प्लस में माइनस में है, जब बदला हुआ रहता है तभी तो कटता है, और जैसे ही घटाने पर लिखेंगे तो ये माइनस है तो यहां प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों जोड़ना पड़ जाएगा, यहां प्लस यानी देखिए सिंबल अगर नहीं बदलना है तो उसको जोड़िए, ठीक है। तो यहां हो जाएगा तीन से गुणा करके, देख लीजिए ये हो जाएगा कितना, तीन पचे पंद्रह ए प्लस तीन बी बराबर तीन दूना छ, और ये हो जाएगा आपका सिक्स ए माइनस थ्री बी इज इक्वल टू वन, कट जाएगा, ये हो जाएगा कितना आपका पंद्रह छ, कितना होता है पंद्रह और छ आपका पच्चीस होता है, पंद्रह छ पच्चीस ए पंद्रह छ कितना होता है इक्कीस होता है, इक्कीस ए बराबर छ एक सात, यहाँ देखिए इधर लिखते हैं इक्कीस ए बराबर सात बचा, तो ए बराबर हो गया सात बट्टा इक्कीस, सात त्रिका इक्कीस, ए बराबर एक बट्टा तीन हुआ, जब ए बराबर एक बट्टा तीन तो ले जाएगा किसी में भरिए, या तो इसमें एक का मान भरिए, नहीं तो इसमें हम दो में यहाँ चार में भरते हैं, इसमें भरिएगा तो हो जाएगा, इसमें इसलिए भरते हैं क्योंकि एक की जगह एक बट्टा तीन लिखे तीन दूना छः कर देंगे, आसान बनाइए, ए का मान समीकरण चार में रखने पर ए छ ए माइनस थ्री बी बराबर वन, सिक्स ए का मान एक बटा तीन माइनस थ्री बी बराबर में वन, तीन दूना छ दो एकम कितना हो गया दो माइनस थ्री बी बराबर में कितना हो गया माइनस वन, नंबर को वन है सिर्फ, नंबर को नंबर के पास बचिए, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में बचेगा, इधर अकेले थ्री बी वन माइनस टू माइनस थ्री बी बराबर ये कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा ये माइनस में वन, माइनस से माइनस खत्म, और b बराबर क्या हो जाएगा एक बट्टा तीन। अब यहां पे करेंगे क्या, जब b बराबर एक बट्टा तीन तो आप कुछ माने हैं, ये माने हैं एक और क्या माने हैं ये माने हैं, तो यही से फिर इस प्रकार यहां लिख दीजिए, इस प्रकार ठीक है वन बाई एक्स माइनस वन बराबर ए, तो वन बाई एक्स माइनस वन, ए बराबर क्या आया है, तो आपका ए बराबर आया है एक बट्टा तीन, तिरछा तिरछी गुणा कीजिएगा तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वन, और ये थ्री एकम थ्री, एक्स बराबर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, एक्स बराबर एगो चार आ गया। दूसरा कंडीशन देखिए, फिर क्या माने हैं, वाई ऐसे माने हैं, बराबर में क्या माने हैं बी माने हैं, तो देखिए वन बट्टा वाई माइनस टू, अब बी बराबर भी आया है आपका एक बट्टा तीन, तिरछा तिरछी गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा आपका वाई माइनस टू, और ये थ्री, वाई बराबर तीन प्लस दो, वाई बराबर आपका कितना हो गया पाँच, तो एक्स बराबर आपका चार और वाई बराबर आपका पाँच। तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और बिना देर के हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं फाइव, क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन देख करके घबरा जाएंगे, कुछ नहीं है इसमें तो दम ही नहीं है, देखिए कैसे बनाते हैं हम, क्या है बटा को हटाना है ना, लेकिन गड़बड़ ये हो गया कि यहाँ भी एक से यहाँ भी एक से, भाई हटेगा कैसे, तो उपाय है देखिए यहाँ ध्यान से, एक समीकरण समीकरण इसमें देखिए और इसमें, अच्छा एक बात बताइए, ये सेवन एक्स माइनस टू वाई का पूरा का बट्टा क्या है एक्स वाई है, इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि सेवन एक्स का अधिकार एक्स वाई पर है और टू वाई का भी अधिकार एक्स वाई पर है, तो जब दोनों का अधिकार एक्स वाई है तभी तो दोनों का बट्टा हम लोग एक्स वाई लिखे, तो हम लोग अलग अलग बांट सकते हैं, इसका अधिकार इसको दे दे रहे हैं, इसका अधिकार इसको दे दे रहे हैं। यहाँ देखिए समीकरण एक से क्या करेंगे, लिखते हैं यहाँ पे सेवन एक्स ठीक है और बट्टा एक्स वाई, और माइनस है तो माइनस टू वाई बट्टा में एक्स वाई, एक्स से एक्स खत्म वाई से वाई खत्म ठीक है, यहाँ पे वही तो होगा, तो यहाँ क्या बचेगा सेवन बट्टा वाई बराबर क्या है टू बट्टा एक्स बचा, सेवन वाई बचा टू एक्स बचा, माइनस है
यहाँ बराबर में पाँच है तो पाँच दे दीजिए। अब ये पहले जैसा क्वेश्चन हो गया, तो बताइए जब सात को साइड कीजिएगा तो यहाँ वन बाई वाई बचेगा, दो को साइड कीजिएगा तो वन बाई एक्स बचेगा। तो यहाँ से आप कर सकते हैं वन बाई वाई बराबर मान लीजिए पी और वन बाई एक्स बराबर मान लीजिए आप क्यू, ठीक है, इतना कर सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा सेवन पी माइनस ये क्या हो जाएगा टू, एक्स क्या है क्यू, अब बराबर में यहाँ क्या हो जाएगा पाँच, हो गया ये समीकरण तीन, ठीक है, समझ आया, भारी नहीं है। उसके बाद इसमें भी वही करेंगे, दोनों का हक एक्स वाई पर है, अलग अलग दे दें। समीकरण दो से ध्यान से समझिएगा, समीकरण दो से का मतलब क्या, एट एक्स इसका अधिकार एक्स वाई ले गया, ठीक है, प्लस सेवन वाई इसका अधिकार भी एक्स वाई ले गया, पंद्रह, एक्स से एक्स खत्म, वाई से वाई खत्म, एट बट्टा वाई और सेवन बट्टा एक्स बराबर में क्या है पंद्रह। आप बताए थे ना दोनों नीचे सेम ही आएगा, देखिए इसमें भी सेम आया है वाई और एक्स आया है। तो यहाँ एट को साइड कीजिए वन बाई वाई बराबर पी है और सेवन को साइड कीजिए वन बाई एक्स बराबर क्यू है, बराबर में आगे आ गया पंद्रह। तो यहाँ पे दोनों आ गया कि नहीं, तो जब दोनों आ गया इसको समीकरण क्या मान लीजिए चार मान लीजिए। समीकरण तीन आपके पास आ गया, समीकरण चार आ गया, तो दोनों को बराबर करके काटिए ना। तो काटने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसमें कुछ बराबर करने को सोचेंगे, ये तो बात जाहिर सी बात है। एक काम करते हैं, समीकरण यहाँ हम लोग आठ से गुणा करें, यहाँ सात से गुणा करें, एक पास में हम लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ लिखते हैं सेवन पी, चाहे पास में लिखने से भी कोई फायदा नहीं है। अगर यहाँ सात से गुणा करेंगे तो सात बटे छप्पन, यहाँ आठ से करेंगे तो आठ सत्ते छप्पन। यहाँ समीकरण तीन में आठ से तथा चार में सात से गुणा कर घटाने पर, तो ये हो जाएगा आठ से तीन गुणा करके, तो देख लीजिए आठ सत्ते छप्पन पी माइनस आठ दूना सोलह इक्वल टू आठ पच्चे चालीस, ये गुणा कीजिए इसमें सात से, सत्ताव अट्ठे छप्पन पी प्लस सात सत्ते उनचास क्यू और ये हो जाएगा पंद्रह सत्ते एक सौ पाँच, ठीक है। अब यहाँ पे घटाने पर करना है तो सिंबल को बदल दो, ये खत्म हो जाएगा जाएगा, और उनचास और सोलह घटाएंगे नहीं जोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि दोनों का सिंबल एक जैसा है, एक जात का दिखेगा एक जैसा सिंबल दिखेगा, जोड़ देना है बेझिझक। तो उनचास और सोलह कितना होगा, उनचास और सोलह नौ छः पंद्रह के पाँच हाथ में एक चार एक पाँच पैंसठ होगा, इज इक्वल टू ये घटाइएगा आप तो ये पाँच हो जाएगा और ये दस में से ये भी पैंसठ होगा, क्यों है ये माइनस से माइनस खत्म पैंसठ एकम पैंसठ, क्यू बराबर आपका कितना आ गया वन आ गया। तो जब आपका क्यू बराबर वन आ गया तो क्या कीजिएगा, अभी देखिए क्यू का मान ले जाएगा किसी में भरिए, या तो आप भरिए समीकरण तीन में या फिर समीकरण चार में, क्यू का मान ऐसे कर दीजिए, क्यू का मान समीकरण छोटा कौन है छोटा में भरिएगा अच्छा लगेगा, ठीक है, इसी में भरिए छोड़िए, क्यू का मान समीकरण तीन में रखने पर, ठीक है, सेवन पी माइनस टू क्यू इज इक्वल टू फाइव, सेवन पी माइनस टू क्यू का मान कितना आया है वन आया है इज इक्वल टू फाइव, पी सेवन पी बराबर माइनस हो जाएगा दो बराबर फाइव, सेवन पी बराबर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में फाइव प्लस टू, सेवन पी बराबर सेवन ये भी हो जाएगा पी बराबर वन। यहाँ देखिए Q बराबर भी वन और P बराबर भी वन, तो खुशी की बात है ना। अब एक काम करते हैं, कुछ माने हो Q बराबर किधर माने हो, किधर माने हो जी, यहाँ पे देखो सबसे पहले तुम P बराबर माने हो वन बाई वाई, इस प्रकार आप क्या किए हैं जी वन बाई वाई बराबर P, तो वन बाई वाई, अब P बराबर आप क्या माने हैं, तो P बराबर माने नहीं, P बराबर आए आपका वन, वैसे y बराबर कितना हो जाएगा वन हो जाएगा, ठीक है, q बराबर यही है और q बराबर कितना आया है वन आया है, तो वन बाई क्या हो जाएगा x बराबर आप माने हैं q, तो हो जाएगा वन बाई एक्स, क्यू आया है आपका वन, तो x बराबर भी क्या आ जाएगा वन, तो y बराबर भी वन और
एक्स बराबर वी वन। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। लीजिए इसका स्क्रीन शॉट, ये 14 है 40 है। देखिए ये भारी तो है नहीं, 1% भारी नहीं। बिना देर के हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए ये तो समीकरण दिया है ना, ये तो आराम से बन जाएगा जी समीकरण। लेकिन नहीं बाबू, इसमें एक बला दिया है जो टलने वाला कैसे है। देखिए यहाँ पे इधर नंबर रहा करता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्स वाई है। अगर ये एक्स वाई नहीं रहता तो कितना अच्छा समीकरण दिया होता, खाली दोनों को बराबर करके काट देते हम लोग। लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया है, यहाँ एक्स वाई और यहाँ भी एक्स वाई दे दिया, यही बला है। तो ये कैसे हटेगा, हटा देंगे तो हट जाएगा, सिंपल। कैसे, यहाँ अगर 6xy है, कोई बोला है कि xy को हटाना है, तो एक काम ना करो, नीचे xy लिख दो, दोनों को काट दो, तो बताओ खाली क्या बच गया, 6। सिंपल है, तो यही तो करना है। लेकिन कोई भी काम करते हैं तो वो दोनों तरफ करते हैं, यही याद रखना है। समीकरण एक ये है, दो ये, तो समीकरण एक में अगर एक्स वाई से नीचे भाग देते हो तो इसमें भी भाग देना पड़ेगा, यही तो मेन प्रॉब्लम है। तो यहां करते हैं समीकरण एक में दोनों तरफ एक्स वाई से भाग देने पर, समीकरण एक क्या है, 6x + 3y = 6xy, यही तो है, भाग दे दो xy, ये एक तरफ का हो गया बराबर के ही सेट, इधर भी xy से xy खत्म, y से y खत्म, x से x खत्म, यहाँ बचा 6y + 3x, और यहाँ अकेले क्या बचा, 6। लेकिन घबराना नहीं है, फिर वैसे ही आ गया कि नहीं, इसको कर दीजिए साइड में 6 को, तो ऊपर का बचेगा 1 बचेगा, और 1/y बराबर कुछ मान ना लीजिए, यानी कि यहाँ पे लिख देते हैं 1/y बराबर p और 1/x बराबर q। तो क्या होगा, जब 6 को साइड में छाटेंगे तो 1/y, और 1/y के जगह पर क्या होगा, p, बट्टा में था आ गया ना नॉर्मल। ये देखिए 3 को छाटिए, ये हो जाएगा 1/x³ बराबर में क्या है, 6। समीकरण ये 1, 2, तो ये क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। और वैसे ही सेम क्या, देखिए समीकरण एक में दोनों तरफ एक्स वाई से भाग देने पर, ये भी चाहे 1 और 2 में भी लिख सकते हो, क्योंकि वो भी इधर भी वही काम करना है, बताए थे कि जिस तरह ये हटता है सेम वैसे ही ये भी होगा, ठीक है। तो इसी में अगर चाहो तो लैंग्वेज वो लिख सकते हो, नहीं तो उसका अलग लिखोगे कि समीकरण 2 में दोनों तरफ एक्स वाई से भाग देने पर। तो समीकरण 2 क्या है, 2x + 4y = 5xy। यहाँ देखिए भाग दीजिए एक्स वाई से दोनों से दोनों खत्म, वाई से वाई खत्म, एक्स से एक्स खत्म, यहाँ बचा 2, नीचे बचा वाई, +4/x और इधर 5। फिर वही बात, 1/y, तो 2 बाहर निकलेगा, 1/y को p माने हैं, और 4 बाहर निकलेगा, 1/x को q माने हैं, बराबर में हो गया आपका 5, समीकरण हो गया 4। तो समीकरण 3 भी समीकरण की तरह दिखने लगा और 4 भी। अब बताइए इसको किसी एक को काटना पड़ेगा, या तो q वाला से q काटो, तो क्या कीजिएगा, बराबर तो है नहीं, तो बराबर करेंगे, एक काम करते हैं, सिर्फ अगर इसमें 3 से गुणा करेंगे तो 3 × 6p, आई वहाँ भी कितना है 6p, आराम से बराबर होकर कट जाएगा। समीकरण 4 में कितना से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, यहाँ लिख दो समीकरण 4 में 3 से गुणा कर 3 में से 4 को घटाने पर, कटता तभी है जब इधर ये घटेगा, सिंबल बदलेगा। अगर सिंबल अगर वैसे ही प्लस माइनस दिया है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक काम करते हैं, हम सबसे पहले समीकरण ये वाला लिखते हैं 6p + 3q = 6, और 4 वाला लिखते हैं कितना से गुणा करना है, 3 से, 3 × 6p, 3 × 4 = 12q और 3 × 5 = 15, ठीक है, यही गुणा करना था। घटा दीजिए, ये खत्म हो गया, 12 में से 3 जाएगा तो ये हो जाएगा 9q माइनस में, और ये देखिए 15 में से 6 जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 9 × 6 = 15, 9 हो जाएगा माइनस में, माइनस से माइनस खत्म, 9 × 1 = 9, q बराबर क्या आया, 1 आया। तो जब q बराबर आपका 1 आया तो q का मान ले जाएगा किसी में भर दे, या तो आप 3 में भरिए नहीं तो 4 में भरिए। हम एक काम करते हैं, समीकरण 3 में ही भरते हैं, q का मान
समीकरण तीन में रखने पर। समीकरण तीन क्या है, 6p + 3q = 6। यहाँ देखिए, चाहे तो इसमें कॉमन ले सकते हैं हम लोग, यहाँ 3 कॉमन लेके काट सकते हैं, लेकिन अब शुरू में नहीं लिए तो अभी लेने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। यहाँ 6p प्लस क्यू का मान क्या है, तो 3, क्यू का मान 1 है, तो ये हो जाएगा 6p, और ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये घटेगा तो p बराबर हो जाएगा 6 - 3, 6p बराबर ये हो जाएगा 3, p बराबर हो जाएगा 3/6, 3 × 6 p बराबर 1/2। यहाँ p बराबर 1/2, और यहाँ पे जब p बराबर 1/2 तो कुछ माने होंगे आप, 1/y बराबर क्या माने हैं, p माने हैं, यानी कि 1/y बराबर आप p माने हैं, तो 1/y p बराबर क्या है, 1/2, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 2। इस प्रकार आप q बराबर भी कुछ माने हैं, 1/x बराबर q, तो 1/x q बराबर 1 आया, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1/1, मिला जुला के सब क्या आया, 1, तो y बराबर 2 और x बराबर 1 आपका ये आंसर है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। देखिए भारी नहीं है, हमको सिर्फ कुछ नहीं करना है इसमें, बस हमको नॉर्मल इक्वेशन में ला देना है, बट्टा में है तो कैसे लाएंगे, या तो जो बचा है उसको कटा दीजिए, हटा दीजिए, जो भी करना है कीजिए, लेकिन किसी तरह नॉर्मल समीकरण में बना देना है। यहाँ तो सब कुछ ठीक दिख रहा था, लेकिन एक ठो गड़बड़ दे दिया कि यहाँ नंबर होता है, लेकिन यहाँ साथ में एक्स वाई था, इसको हटाने के लिए हमने काम किया, भाग कर दिए नीचे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो बिना देर के हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ हम लोग अब डायरेक्ट 8 नंबर देखेंगे, तो पूछेंगे आप 7 नंबर क्यों नहीं बनाए, बताइए 1 से लेकर 6 तक हमने क्वेश्चन बना दिया। अगर आपको समझ में आया होगा, ठीक है, बढ़िया से डीपली एक एक पॉइंट, तो आपसे 7 नंबर इसका जरूर बनेगा। हम 8 नंबर आपको डायरेक्ट बता रहे हैं, 7 नंबर आपके लिए क्वेश्चन है। बना करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपसे सही में बना है कि नहीं, या वो समझ में नहीं, अगर नहीं बना है तो आप फिर से इसमें कमेंट कीजिएगा, हम वो क्वेश्चन आपको बता देंगे, ठीक है। तो बिना देर की हम लोग आइए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन 8 नंबर। एक बात बताइए, ये भी तो बट्टा में दिया है, बट्टा को हटाइए, तो बट्टा को हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं हम लोग कोई नंबर, इसको मान लेते हैं कोई नंबर नहीं, ABCD वाला कोई भी पार्ट, ठीक है। और एक चीज बता दें, जो चीज इसमें दिया रहेगा उसमें एकदम गारंटी है कि 2 नंबर में भी दिया रहेगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 है। तो बताइए 1/3x + y इसमें भी है, 1/3x + y सेम है, 1/3x - y 1/3x - y, भले ये 2 एक्स्ट्रा इसमें दे दिया है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन है तो सेम चीज ना, ठीक है। तो यहाँ 2 तरीके से बना सकते हैं, यहाँ 1/2 दोनों में कॉमन लिख करके कटा देंगे तभी भी आंसर हो सकता है, शॉर्ट आंसर छोटा हो जाएगा। यहाँ एक काम करते हैं हम, 1/3x + y बराबर मान लेते हैं p, और यहाँ पे लिखते हैं 1/3x - y बराबर मान लेते हैं q। तो जब इतना बराबर p, तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 से, बताइए इतना के जगह पर हो जाएगा p और प्लस इतना के जगह पर हो जाएगा q, और बराबर में क्या है यहाँ पे 3/4 है, ठीक है, यहाँ आपको समझ में आया होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होगा, अच्छा एक और काम कर सकते हैं ना, जब बीच में बराबर होता है ये भी बट्टा में दिख रहा है, डर लग रहा है का, छोड़ो यार तिरछा तिरछी गुणा कर दो, तो 4 में दोनों से गुणा होगा, तो यहाँ हो जाएगा 4p अब प्लस में 4q, ऐसे भी तो कर सकते हो, = क्या हो जाएगा आपका, सिर्फ 3 हो जाएगा, हो गया समीकरण 3। वैसे ही समीकरण 2 से देख लो, समीकरण 2 से क्या होगा यहाँ पे, 1/3 इतना बराबर क्या है, 1/3x + y बराबर p है, तो ऊपर हो जाएगा p/2 और माइनस ये हो जाएगा q/2 और −1/8 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए दोनों का लघुत्तम निकालिएगा, हो जाएगा यहाँ पे 2p - q = −1/8, 2 × 4 = 8 हो जाएगा, p - q = −1/4 हो जाएगा, तिरछा तिरछे गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा 4p - 4q = −1, समीकरण ये आपका क्या हो गया, 4 हो गया। आप में इसमें कोई डाउट है आपको, देख लीजिए सेम है, और सबसे सिंपल यही है, यहाँ से भी हम लोग 2 कॉमन लेके 2 × 4 = 8 कर देते, हो जाता नॉर्मल बन जाता। जब ये 3 और 4 है तो डायरेक्ट कीजिए समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर, क्योंकि वहाँ सब तो सेम ही मिल रहा है, जोड़ने घटाने सब पर हो जाएगा, समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर, समीकरण 3 है
4p प्लस 4q इक्वल टू 3 और ये है 4p माइनस 4q इक्वल टू कितना है माइनस वन। एक काम करिए, घटाइएगा तो आखिरकार हाई कटेगा, फिर ये माइनस प्लस वाला काम आ जाएगा। तो आपकी मर्जी जो अच्छा लगे, जोड़ने पर डायरेक्ट कट जाएगा। तो हम तो अब घटाने पर लिख दिए, तो घटाने पर सिंबल जाएगी माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, ये खत्म, चार और चार आठ, क्यू बराबर में चार और एक कितना हो जाएगा तीन और एक चार, क्यू बराबर हो जाएगा चार बट्टा आठ, चार दूना आठ, क्यू बराबर हो जाएगा एक बट्टा दो। तो जब क्यू बराबर एक बट्टा दो तो ले जाकर कहीं मान भर दीजिए, या तो तीन में नहीं तो चार में, यहाँ ऊपर से भरते हैं। क्यू का मान समीकरण तीन में रखने पर, इधर आप साफ साफ लिख लीजिएगा, समीकरण तीन क्या है, 4p प्लस 4q इक्वल टू 3, 4p प्लस 4q का मान क्या आया है एक बट्टा दो, दो दूना कितना हो गया, दो दूना हो गया चार, 4p प्लस ये बचेगा दो बट्टा तीन, ये किस में है आपका प्लस में है, ठीक है। और इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, समीकरण एक है ठीक है, माइनस में, तो 4p बराबर हो जाएगा 3 माइनस 2, 4p बराबर तीन में से दो जाएगा एक, पी बराबर हो जाएगा एक बट्टा चार, कुछ माने हैं आप। अब आते हैं यहाँ पे, क्यू बराबर हो गया एक बट्टा दो और ये हो गया एक बट्टा चार, क्या करेंगे देखिए ना कहीं कुछ माने होंगे, आपने कुछ कांड जरूर कहीं ना कहीं किया है, वो किए क्या है आप, तो देखिए ये वाला पी माने हैं और ये वाला क्या माने हैं क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखिएगा वन बट्टा थ्री एक्स प्लस वाई बराबर पी माने हैं, तो वन बट्टा थ्री एक्स प्लस वाई बराबर p का मान कितना है एक बट्टा चार, जब बीच में बराबर तो तिरछा तिरछी का होता है गुणा होता है, तो ये हो जाएगा 3x प्लस वाई और चार हो जाएगा इधर, ठीक है। अब ये देखिए आपको क्या लगा कि हो गया आंसर इसका, नहीं, फिर से एक समीकरण बन रहा है यहाँ पे, इतना सॉल्व करने के बाद हमको एक समीकरण मिला, यानी इसको जब चार माने है तो इसको मान लीजिएगा पांच, ठीक है। अब बताइए इस प्रकार दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा देखिए आप क्या माने यहाँ पे, फिर क्या है वन बट्टा थ्री एक्स माइनस वाई बराबर आपका क्या है क्यू है, तो क्यू बराबर कितना है, तो क्यू बराबर एक बट्टा दो आया है, तिरछा तिरछी गुणा जब कीजिएगा तो आपका समीकरण देखिए क्या बनेगा, थ्री एक्स माइनस वाई बराबर दो समीकरण, ये समीकरण मान लीजिए आप पाँच। तो उम्मीद करते हैं कि इतना समझ में आएगा, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट इतना लीजिए, अब आप बना सकते हैं यहाँ से, जब आपके पास पांच समीकरण दिया और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हो गया पांच, तो यहाँ हो जाएगा आपका छः, पांच और छः दिया है तो यहाँ से फिर से समीकरण दो को बराबर कर दीजिए और काट दीजिए, काटिएगा तो एक्स और वाई का वैल्यू निकल जाएगा। तो इसके आगे बनाते हैं, तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इधर मिटाते हैं हम। अब देखिए यहाँ बाबू बताइए समीकरण पांच क्या मिला है, समीकरण पांच ये मिटाते हैं यहाँ तक, समीकरण पाँच से अच्छे से कर देते हैं, समीकरण पाँच यहाँ साफ साफ लिख देते हैं, यहाँ लिखा है 3x प्लस वाई बराबर फोर, ये समीकरण पाँच है, और यहाँ 3x माइनस वाई बराबर दो, ये समीकरण छः है, समीकरण पाँच और छः को जोड़ने पर ये कट जाएगा, सिंबल नहीं बदलेगा, समीकरण पाँच प्लस छः ऐसे ही जोड़ सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो जब हम लोग जोड़ेंगे ऊपर ही लिख देते हैं, समीकरण पाँच प्लस छः जब जोड़िएगा तो ये खत्म हो जाएगा, तीन और तीन कितना होता है छः होता है, और बराबर ये चार और दो कितना होता है छः होता है, ये कितना हो जाएगा छः एकम छः, एक्स बराबर आपका वन आया, एक्स का मान ले जाएगा पाँचे में भर दीजिए, एक्स का मान समीकरण पाँच में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण पाँच क्या है, थ्री एक्स प्लस वाई बराबर चार, थ्री एक्स का मान वन प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा फोर, ये हो जाएगा तीन एकम तीन प्लस वाई बराबर चार, वाई बराबर प्लस में नहीं जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, वाई बराबर क्या आया वन आया, तो एक्स बराबर भी वन और वाई बराबर भी वन। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, देखिए क्वेश्चन को बनाना है, बनाने के बाद दो ठो समीकरण बना, उसको सॉल्व किए तो एक और समीकरण बना, वो बना आपका पांच और छः, आई दोनों समीकरण को सॉल्व किए तब जाके आपका एक्स और वाई का वैल्यू निकला, ठीक है। तो बिना देर के अब हम लोग देखो क्या करेंगे, याद रखिएगा क्वेश्चन कोई भारी नहीं था, ठीक है, क्वेश्चन इसमें भारी नहीं था, बस हम लोग क्या करना है, लंबा और भारी नहीं देखना है, बनाते जाना है,
क्योंकि अगर हम लोगों को सही मेथड पता है, अगर सही रूल पता है, तो सही लाइन पे जाएंगे हम, तो आंसर जरूर आएगा और जबरदस्त तरीके से समझ में आएगा। तो फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।